नमस्कार दोस्तों मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ट्यूशन्स पे आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल लेक्चर नंबर टू आपको मैंने पहला लेक्चर आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान कैसे बना ठीक है तो में, आप पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि, कि भारतीय संविधान कैसे बना और क्या क्या काम किया गया भारतीय संविधान बनाने के लिए और हमने भारतीय संविधान में का जो चीज़ रखी हैं वो कहाँ कहाँ से ली है वो सभी जानकारी मैंने आपको पहली वीडियो में दी थी आपको ठीक है आपने अगर तो वो नहीं देखा अभी तक तो उसे जरूर देखें ठीक है तो आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे क्या पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आज हम जो भारतीय संविधान है उसके भाग और अनुसूचियाँ पढ़ेंगे ठीक है तो इसलिए आपने हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जैसा कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें यहाँ आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी बिल्कुल परेशान मत होइएगा वीडियो पढ़ते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं तो आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान के भाग पढ़ेंगे सबसे पहले तो आप जानते हैं हमारे संविधान में कितने भाग इस टाइम तो टोटल जो पार्ट्स हमारे 22 है अगर आप देखा जाए इसमें सब पार्ट ऐड करे गए हैं तो टोटल मिला के ट्वेंटी हो गए हैं ठीक है तो हमने क्या है तीन सब पार्ट ऐड कर दिए इसमें ठीक है आर्टिकल ट्वेंटी पार्ट्स हमारे 22 टू हैं बस खाली उसमें कुछ अमेंडमेंट करके हमने उसके इन पार्ट्स के अंदर कुछ सब पार्ट जोड़ दिए हैं ठीक है तो आगे पढ़ेंगे चलिए आप शुरू करते हैं तो आपका पहला पार्ट आता है जो पार्ट वन आता है वो तो पार्ट वन क्या होता है पार्ट वन में आपका आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब संघ और उसके क्षेत्र जो भारत है उसकी पूरी बाउंड्री के बारे में जानकारी दी जाती है इसमें भारतीय भारत क्या है उसके कौन कौन से राज्य हैं उनके क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र जिनके अंडर आते हैं उनके बारे में देख रखा है और ये आपको आर्टिकल एक से लेकर चार तक में आते हैं आपके जो एक से चार होते हैं उसकी जानकारी देते हैं वहीं पार्ट टू की बात करें तो पार्ट टू में आपकी जो आती है वो आती है सिटीजनशिप कैसे कहते हैं नागरिकता ठीक है नागरिकता जो आपकी सिटीजनशिप होती है वो आपके पार्ट टू में आती है और इसमें टोटल कितने आर्टिकल्स हैं इसमें आपके आर्टिकल्स आते हैं पाँच से लेकर ग्यारह तक तो अनुच्छेद पाँच से अनुच्छेद ग्यारह तक किस में आते हैं पार्ट टू के अंदर आते हैं और किसके लिए होते हैं ये ये सिटीजनशिप के लिए होते हैं मतलब नागरिकता के लिए होते हैं सारे आर्टिकल्स ठीक है वहीं पार्ट थ्री में आपका आता है फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो आपके पार्ट थ्री में मतलब भाग तीन में आते हैं इसमें टोटल आपके जो आर्टिकल्स आते हैं वो आर्टिकल बारह से लेकर पैंतीस तक आते हैं मतलब अनुच्छेद बारह से पैंतीस तक आते हैं सारे इसी में आपको पांच फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं उसकी जानकारी पूरी आपको भाग तीन में मिल जाएगी ठीक है अरे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि भाग है क्या तो भाग या पार्ट को आप समझ लीजिए एक तरह से ये इंडेक्स है मतलब आप जैसे बुक होती है आपकी बुक में पहला चैप्टर होता है कंटेंट का या उसे इंडेक्स कहते हैं इसी तरह से पार्ट्स हैं आपके तो क्या है ये आपके जो पार्ट्स हैं पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर ये आपके क्या है ये चैप्टर हैं और इस चैप्टर का कंटेंट आपका क्या है आर्टिकल्स हैं इसमें ठीक है आप ऐसा समझ लीजिए तो ये चीज़ आपको बता रखा है इसके अंदर तो क्या होता है पार्ट्स एक तरह से आपका हो गया है आपका क्या कह सकते हैं उसको इंडेक्स कह सकते हैं जो भारतीय संविधान के जो पार्ट्स हैं भाग जो है उसको हम क्या कह सकते हैं उसको हम कह सकते हैं आराम से ये एक तरह से ये इंडेक्स है भारतीय संविधान की जो बुक है उसका ठीक तो उसमें आपको अलग अलग चैप्टर दे रहे हैं जैसे आपके चैप्टर वन हो गए चैप्टर टू हो गए चैप्टर थ्री हो गया चैप्टर फोर हो गया है ना तो उसी तरह से यहाँ पे सब लाइन वाइज दे रखा है आपको तो चैप्टर वन में क्या पढ़ रहे हैं तो चैप्टर वन में पढ़ रहे हैं यूनियन एंड स्टेडरी चैप्टर टू में सिटीजनशिप जैसे क्या गया या आप कहते हैं नागरिकता चैप्टर थ्री में क्या पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स ठीक है इनमें क्या क्या आता है जैसे यूनियन यूनियन स्टेटरी के अंदर क्या आता है आपका एक आर्टिकल एक से लेकर आर्टिकल चार सिटीजनशिप में, में क्या आता है आप आपका आर्टिकल पाँच से लेकर ग्यारह ठीक है आपके फंडामेंटल राइट में क्या आता है आर्टिकल बारह से लेकर पैंतीस तक फिर आपते आपका आता है आर्टिकल चार उसमें क्या आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसे हम कहते हैं डीपीएसपी या हिंदी में कहें तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत तो ये आपके कौन से आते हैं पार्ट फोर में आते हैं आपकी डीपीएसपी किसमें पार्ट फोर में आता है और इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो थर्टी सिक्स से लेकर थर्टी फाइव तक आते हैं आर्टिकल ठीक है फिर आपका आता इसी का जो पार्ट है फोर ए तो आप सकते ये पार्ट फोर है इसी का एक छोटा सब पार्ट बना दिया है वो क्या है फोर ए बना दिया गया है वो कौन सा है फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य जो आपके होते हैं वो उसके अंदर आते हैं पार्ट फिफ्टी आर्टिकल फिफ्टी वन ए इसके अंदर एड किया गया है ठीक है जैसे आर्टिकल फिफ्टी वन था तो आर्टिकल फिफ्टी वन का जब अमेंडमेंट आग्ण किया अमेंडमेंट करके क्या करा हमने इसको एक सब पार्ट ऐड कर दिया उस हम क्या कह दिया फिफ्टी वन ए कह दिया उसी को और पार्ट में भी उसे एक तरह से समझो एक अलग चैप्टर बना दिया हमने तो क्या पार्ट का आपका है तो चैप्टर वही आपका पार्ट फोर का ही पर उसको एक बड़ा चैप्टर था उसके लिए एक अलग उसी चैप्टर का एक सब चैप्टर बना दिया हमने उसी को हम क्या कहते हैं पार्ट फोर ए कहते हैं उसको ठीक है फिर आपका आता है पार्ट फाइव कहते हैं भाग पाँच इसमें आपका आता है यूनियन मतलब संघ यहाँ यहाँ यूनियन का मतलब क्या हो गया यूनियन मतलब हो गया एक तरह से, से सेंटर या आप कह दें जो सेंटर गवर्नमेंट होती है उसकी बात करी जाती है ठीक है तो इसमें तो आपके आते हैं आर्टिकल फिफ्टी टू से लेकर वन फिफ्टी वन आते हैं ठीक है फिर आता है पार्ट सिक्स पार्ट सिक्स में आपका आते हैं स्टेट मतलब राज्य इसमें राज्य की सारे आर्टिकल्स दे रखे हैं ठीक है तो अनुच्छेद किसके करेंगे राज्य कहाँ से एक सौ बावन से लेकर दो सौ सैंतीस तक वन फिफ्टी टू से लेकर टू थर्टी सेवन तक क्या है ये सभी आर्टिकल्स जो हैं वो स्टेट के ऊपर हैं सारे ठीक है और पार्ट सेवन की बात करें तो पार्ट सेवन में आपका आता है स्टेट ऑफ द पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल मतलब पहली अनुसूची के भाग की स्थिति तो आपको एक है, पहला शेड्यूल होता है ना उसके बारे में जानकारी दे रखी है इसमें वो कौन सा एक आर्टिकल आता है इसमें वो आता है टू थर्टी एट ठीक ये आगे बढ़ते हैं फिर आपका आता है पार्ट एट पार्ट एट में क्या आता का पार्ट एट में आता है आता आपका यूनियन एस टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो हमारी यूटी होती है उसके बारे में जानकारी दे रखी है और उनके जो आर्टिकल्स हैं वो है टू से लेकर टू टू तक फिर आर्टिकल नाइन आता है आर्टिकल नाइन आता है इसमें आता है आपका पंचायत जो आपकी पंचायतें होती हैं उनके भी तो आर्टिकल होंगे ना जो भाई झाई सी बात है हमारे देश में पंचायत है तो पंचायतों कहीं से उन्हें पावर मिली होगी उन्हें तो उन्हें संविधान से पावर मिली और उनके जो लिए उनके लिए जो आर्टिकल्स हैं वो कौन सा आर्टिकल है टू और टू ओ ठीक है कौन से दो आर्टिकल हैं दो आर्टिकल आपके टू और टू ओ इसी में हमने क्या करा जब हमें लगा कि पंचायत एक बहुत बड़ा चैप्टर है है ना अभी हम देख चैप्टर एक पंचायत एक बहुत बड़ा चैप्टर हो गया कोई चैप्टर है बहुत बड़ा हो गया तो लगता है कि एक उसमें कवर नहीं हो पाएगा तो उसमें क्या अगर हमने कुछ चीज़ें संशोधन करी और कुछ चीज़ ऐड कर दी उसमें क्या चैप्टर है पूरा एक उसमें कुछ चैप्टर कम पड़ गया हमें ऐसा लीजिए चैप्टर कम पड़ गया आपका तो चैप्टर कम पड़ गया तो हमने कुछ चीज़ उसमें ऐड कर दी तो ऐड करी हमने उसे एक तरह से नया चैप्टर दे दिया जो ऐड करा उसे हम नाम दे दिया पार्ट नाइन ए मतलब पहले ऐड क्या करा नाइन ए ऐड करा और नाइन बी ऐड कर दिया तो ये किसके पार्ट हैं दोनों ये पार्ट हैं आपके किसके नाइन के ठीक है चैप्टर नाइन के ही आपके पार्ट हो गए थोड़ा लीजिए कौन कौन से नाइन ए नाइन बी नाम हो गया नाइन ए में क्या आता है नाइन ए में आपका आता है म्यूनिसिपैलिटी या कहते हैं आपकी नगर पालिका इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं आपके टू पी और टू फोर्टी जेड जी याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन जो आपके एग्जाम होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से आ जाता है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो म्यूनसिपैलिटी है वो कौन से पार्ट में आता है सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि आपके म्यूनसिपैलिटी कौन से पार्ट में आता है तो आपको ऑप्शन दे देंगे कि पार्ट नाइन पार्ट नाइन ए पार्ट फोर और पार्ट फोर बी ए पार्ट फोर ए तो आपको आंसर लगाने का आंसर और होगा तो आप जब लोग सोचेंगे एकदम लगा देंगे ऑप्शन ए पार्ट नाइन आंसर लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा क्यों वहाँ एक ऑप्शन दे रखा है उन्होंने पार्ट नाइन ए दे रखा है नाइन ए दे रखा है तो आपको वही क्लिक करके लगाना है क्योंकि म्यूनसिपैलिटी जो आती है आपकी वो पार्ट नाइन ए के अंदर आती है ठीक है ऐसे ही आपका आता है पार्ट नाइन बी इसमें आपका आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब सहयोगी समाज जो आपका आता है वो आपका पार्ट नाइन बी में आता है और इसमें जो आर्टिकल होते हैं वो टू फोर्टी थ्री जेड एच और टू फोर्टी थ्री जेड टी तो आप देख रहे होंगे टू फोर्टी थ्री आपको जो पार्ट नाइन है उसमें एक ही आर्टिकल है कौन सा टू फोर्टी थ्री आपका मेन आर्टिकल हो गया एक ग्रह ली ठीक है ये आपको मिटा दे रहा हूँ फिर बताता दूँ आपको जैसे आप देख रहे हो जो पार्ट नाइन आपका पार्ट नाइन में एक ही आर्टिकल है वो है टू फोर्टी थ्री तो बाकी ये टू फोर्टी थ्री ओ टू फोर्टी थ्री पी टू फोर्टी थ्री जेड जी टू फोर्टी थ्री जेड एच टू फोर्टी थ्री जेड टी ये सर क्या है आप दिमाग में यारा हुआ क्वेश्चन तो आपको बता दूं जैसे जब संविधान में संशोधन की हमने क्योंकि ये चीज़ ऐड करना बिना संशोधन के हो सकता है संविधान में कोई छेड़खानी करना कोई आसान काम तो है नहीं उसके लिए बाकायदा पूरा अमेंडमेंट करना करता है अमेंडमेंट करना पड़ता है संशोधन करना पड़ता है संविधान आपको लोकसभा में बैठ के उसकी पूरी चर्चा की जाती है उसके बारे में कि क्या काम सही है कि नहीं है है ना तभी तो आप कोई चीज़ संविधान में संशोधन कर सकते हैं आप यूज़ कर सकते हैं तो वही आपको बता रखा है कि जो आपका पंचायत है वो या कहते हैं पार्ट एक ही आर्टिकल में सिमट जाता है बाकी हमने इसमें संशोधन करे या कह दें उसमें संशोधन करें या कहते हैं अमेंडमेंट कर दिए हमने तो अमेंडमेंट कौन कौन से कर दिए वही हमने ऐड कर दिए जैसे 243 ऐड कर दिया 243 फोर्टी ओ ऐड कर दिया 243 फोर्टी थ्री पी एड कर दिया 243 फोर्थ थ्री जेड जी एड कर दिया 243 फोर्टी थ्री जेड एच ऐड कर दिया 243 फोर्टी थ्री जेड टी एड कर दिया तो जी कर दिया? ये क्या चाहिए ऐड कर दी ये सभी आपके बाद में संशोधन करके हमने इसके अंदर ऐड कर दिए इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये होता है कि जो आपका जो आपका मेन सोर्स आप कह दें एक तरह से आपकी जो आत्मा हो गई या कह दें मेन सोल जो आपकी है पूरे आर्टिकल की वो टू फोर्टी थ्री है ठीक है इन तीनों की जो या बात करें इन तीनों की जो मेन सोल है वो आर्टिकल टू फोर्टी थ्री है बस इसके अंदर हमने कुछ छेड़खानी कर दी छोटे छोटे पार्ट एड कर दिए ठीक है ठीके? या कह दें कि टू आर्टिकल टू फोर्टी थ्री एक पूरी मेन बॉडी है आपकी और बाकी जो आपके हैं टू फोर्टी थ्री ओ पी जेड जी जेड एच जेड टी ये क्या है उसके पार्ट हैं बॉडी के हमने ऐड कर दिए उस बॉडी के अंदर ठीक है फिर आपका आता है पार्ट टेन पार्ट टेन में आपका आता है शेड्यूल्ड एंड शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज मतलब अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो होते हैं उनके बारे में जानकारी होती है इसमें आपका एक ही आर्टिकल होता है वो टू फोर्टी फोर और टू फोर्टी फोर ए ठीक है फिर आपका आता है पार्ट इलेवन पार्ट इलेवन में आता है रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वो आपके कौन से आर्टिकल से लेकर टू आते हैं फिर आपका आता पार्ट ट्वेल्व पार्ट ट्वेल्व में क्या आता पार्ट ट्वेल्व में आपका आता है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट शूट मतलब हिंदी में कहें तो वित्तीय संपत्ति अनुबंध और सूट ये सभी चीज आपकी आती हैं ये पार्ट टल है वो टू -फोर से शुरू होते हैं और थ्री हंड्रेड एट तक जाते हैं आपके ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं आपका आता है पार्ट थर्टीन पार्ट थर्टीन में आपका क्या आता है तो पार्ट थर्टीन में आपका आता है ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी इन इंडिया मतलब भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य तो इसमें कौन कौन से अधिकार आपके आर्टिकल आते हैं वो आपके आर्टिकल थ्री हंड्रेड वन से लेकर थ्री हंड्रेड सेवन तक मतलब तो टोटल आठ आट आर्टिकल आते हैं वहीं आप करें आप पार्ट फोर्टीन की बात करें तो पार्ट फोर्टीन में आपका आता है सर्विस अंडर सेंटर एंड स्टेट मतलब केंद्र और राज्य के भी अधीन सेवा तो आपकी जो भी सर्विस होती है आपकी जॉब जो मान लीजिए वो आपकी आती है किसी के अंदर स्टेट और, और सेंटर दोनों के अंदर ही बात करी जा रही है यहाँ पे तो इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं आपके वो आर्टिकल्स आते हैं 308 से लेकर 323 तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल जो है ज्यादातर क्वेश्चन जिसमें आते हैं बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपका है पार्ट फिफ्टीन पार्ट फिफ्टीन से बहुत क्वेश्चन आते हैं क्योंकि पार्ट आपका है किसका इलेक्शन का मतलब चुनाव चुनाव से संबंधित जो भी जानकारी आपकी है या जो भी संविधान में लिखा गया है वो सभी पार्ट फिफ्टीन में लिखा गया है ठीक है इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो आपका आते हैं टू थ्री ट्वेंटी फोर से लेकर थ्री ट्वेंटी नाइन ए तक आते हैं आपके सारे आर्टिकल्स ठीक है फिर आपका आता है पार्ट सिक्सटीन पार्ट सिक्सटीन आपका होता है स्पेशल प्रोविजंस प्रोविजन फॉर सेंट्रल क्लासेस वो सर्टेन क्लासेस मीन्स निश्चित वर्ग के लिए विशेष प्रावधान मतलब कोई एक सेक्शन हो गया कोई एक काम हो गया या कोई पार्टी हो गई या कोई आपका एक जाति हो गई किसी के लिए उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस लाने के लिए ये आपका जो स्पेशल प्रोविजन लाने होते हैं उसके लिए आपका कौन सा होता है पार्ट सिक्सटीन होता है इसमें कौन से आर्टिकल आते हैं इसमें आपके आते हैं थ्री थर्टी से लेकर थ्री फोर्टी टू तक ठीक है फिर आपका आता है पार्ट सेवनटीन पार्ट सेवनटीन में आपके सारी चीज़ें क्या आती हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है ये भी आप याद रखिएगा पार्ट सेवेंटीन जो होता है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज या कह दें राज्य भाषा पर आपकी जानकारी दी जाती है इसमें विषय होता है आपका अब ये दिमाग में क्वेश्चन बनता है आपका इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा तो इस पर तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि पार्ट सेवेंटीन अंडर क्या आता है तो कुछ भी दे सकता आपका इलेक्शन एमरजेंसी या कह दें कि सर्विस अंडर सेंटर एंड स्टेट है ना तो ये चीज आप याद रखेंगे तो पार्ट में क्या आता है ऑफिशियल लैंग्वेज आती है आपकी ठीक है या कहते हैं राज्य भाषा जो कि उसमें आर्टिकल आते हैं आपके कितने 243 से लेकर थ्री वो सॉरी थ्री से लेकर 351 तक आते हैं आपके आर्टिकल्स ठीक है फिर आपका आता है पार्ट 18 पार्ट एटीन आपकी आती है एमरजेंसी मतलब आपातकालीन मतलब अगर कभी देश में किसी तरह की आपातकालीन आपातकालीन स्थिति आ जाती है उस समय क्या क्या करना चाहिए या पर क्या क्या करा जा सकता है उस सभी की जानकारी किसमें दे रखी है वो दे रखी है पार्ट एटीन में इसमें जो आर्टिकल आते हैं या कई अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं आपके थ्री फिफ्टी टू से लेकर थ्री सिक्सटी तक आते हैं ठीक है फिर आपका आता है पार्ट नाइनटीन पार्ट नाइनटीन में आपके आते हैं मिशलियस मतलब मिश्रित इसमें कई सारी मिक्स चीज़ें होती हैं ठीक है तो वो उसमें आपके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं आपके इसमें जो आर्टिकल्स की बात करें तो इसमें आर्टिकल्स आते हैं थ्री सिक्सटी वन से लेकर थ्री सिक्सटी सेवन तक फिर आगे बढ़ते हैं आता है आपका फिर पार्ट ट्वेंटी पार्ट ट्वेंटी में आपका क्या आता है तो उसमें आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब संवैधानिक संशोधन जो करा जाता है वो करा सब जो आपके संविधान में जैसे पार्लियामेंट में कोई अनुच्छेद है उसमें या पूरी संविधान की बुक में किसी तरह का कोई आपका संशोधन करना है या कोई थोड़े एडिटिंग करनी है आपकी तो या लगता है आपको कुछ चीज़ ऐड करनी है क्या या कुछ चीज़ आपको घटानी है तो वो किस में आते हैं वो आपके आते हैं पार्ट ट्वेंटी आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट तो याद रखिएगा क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बहुत इससे भी क्वेश्चन बनता है आपके अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप उठाएंगे तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट है वो किस पार्ट के अंदर आता है क्वेश्चन सीधा बनता है भाई क्वेश्चन क्या आ जाता है घुमा के पूछा जाएगा आपसे क्या चीज देखो जान यहाँ आपको बता देगा कि आर्टिकल 368 किस पार्ट में आता है तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा पार्ट होगा गया बीस है इक्कीस है बाईस है या फिर आपका उन्नीस है अठारह है तो आप बताएंगे बीस पार्ट बीस में या कहते हैं भाग बीस में ही आपके आते हैं संवैधानिक संशोधन जो कि उसमें एक ही आर्टिकल है कौन सा थ्री फिर आपका आता है पार्ट ट्वेंटी पार्ट ट्वेंटी वन में क्या है सा तो पार्ट ट्वेंटी में आपका है आता है टेंपरेरी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजंस मींस अस्थाई संक्रमण संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान जो होते हैं आपके वो सीमाते हैं इसमें 369 से लेकर 392 आर्टिकल आते हैं तो 369 कह रहा हूं 390 अरे, उल्टा हो गया ये ये उल्टा हो गया है इसे आप ध्यान रखिएगा ये होगा 369 होगा ये 396 नहीं होगा 369 होगा ये ठीक है तो 369 से लेकर थ्री थ्री नाइन्टी टू तक इसमें आर्टिकल आते हैं ठीक है फिर आपका आता है पार्ट ट्वेंटी टू पार्ट ट्वेंटी टू में आपका आता है शॉर्ट टाइटल्स एंड टेक्स्ट इन हिंदी मतलब लघु शीर्षक और पार्ट हिंदी में ये सब किसी में आते हैं आपके पार्ट ट्वेंटी टू में और इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो आते हैं थ्री नाइन्टी थ्री से लेकर थ्री नाइन्टी फाइव तक मतलब हमारे संविधान में जो टोटल अनुच्छेद हैं वो कितने हैं थ्री नाइन्टी फाइव अनुच्छेद हमारे थ्री नाइन्टी फाइव आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान के अंदर टोटल और वो सभी आपके आर्टिकल्स कवर हो जाते हैं कितने टोटल ट्वेंटी टू पार्ट्स में आपके कवर हो जाते हैं अब इसमें कुछ पार्ट सब ऐड किए गए हैं कौन कौन से पार्ट ऐड कर दिए गए हैं तो इसमें एक पार्ट ऐड किया गया है फो, न, फोर ए पार्ट फोर ए और नाइन ए नाइन बी और नाइन सी ये तीन पार्ट ऐड कर दिए गए हैं कब संशोधन करके मतलब संविधान में संशोधन किया गया किस कौन से आर्टिकल के तहत आर्टिकल 368 के तहत और कौन से भाग में आता है तो पार्ट बीस -पार के अंदर आता है भाग बीस में आता है आपका ठीक तो है तो इन्हीं के तहत हमने संशोधन करके ये चार आर्टिकल जो आपके हैं आप कह सकते हैं चार आपके पार्ट्स हैं वो ऐड कर दिए गए हैं तो इसीलिए हम जब काउंट करते हैं तो ट्वेंटी तो काउंट करते ही करते हैं प्लस इन इन तीनों को आपके और काउंट कर लिया जाता है सभी तो टोटल पच्चीस कह देते हैं बी तो कह दिया ये आपके आ गए ठीक है तो ये अब ये सी नहीं है आपका गलत कह दिया सी नहीं आता आपका ठीक है सी नहीं आएगा बी तक है आपका तो कौन सा फोर ए फोर नाइन ए और नाइन बी ये तीन आर्टिकल ऐड हो गए इन तीनों का ऐड करके टोटल कितने हो गए पच्चीस आर्टिकल हो गए आपके ठीक है चलिए आपको एक शुरू से बता देता हूँ अब देखिए पार्ट वन में पढ़ते हैं देखिए शुरू से पढ़ते हैं देखो तो आपका ये फोर ए ऐड किया गया है है ना एक फोर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है और यहाँ देखेंगे तो नाइन आपका ये यहाँ मिटा देते हैं इसको ये नाइन एड कर दिया गया है और नाइन बी एड कर दिया गया है तो इसको काउंट करेंगे आप सुब काउंट करें तो ये देखिए ये आपका एक ये आपका दो और यह तीन ये क्या है ये तीन चीजें क्या है जो आपके पार्ट है वो बाद में एड कर दिए गए हैं क्या संविधान में संशोधन करने के बाद एड कर दिए गए हैं इसलिए अब कितने हो गए टोटल मिला इसलिए हम काउंट जब करते हैं तो काउंट करते है, हैं टोटल ट्वेंटी फाइव काउंट करते हैं इसीलिए काउंट करते हैं क्योंकि आपके जो मेन आर्टिकल्स जो आपके ये कह सकते हैं ये ऐड कर दिए गए हैं ठीक कौन कौन से ऐड कर दिए गए हैं तो एक बार दोबारा से करेंगे तो हमने हमारे संविधान में को टोटल कितने आर्टिकल थे तो हमारे संविधान में टोटल थ्री नाइन्टी फाइव आर्टिकल्स थे और इसमें कितने पार्ट थे तो आप कहेंगे इसमें टोटल पार्ट्स की बात की जाए तो ट्वेंटी टू पार्ट्स थे पर हमने इस भारतीय संविधान में कुछ संशोधन किए और संशोधन करने के बाद हमने तीन पार्ट और ऐड कर दिए तीन सब पार्ट ऐड कर दिए मतलब सब पार्ट के कुछ उसके हिस्से जो पार्ट थे उसके अंदर कुछ पार्ट के अंदर या कह दें चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर एक सब चैप्टर छोटा चैप्टर जोड़ दिया गया पार्ट के अंदर एक छोटा पार्ट जोड़ दिया गया तो कौन कौन से जोड़ दिए गए तो वो जोड़ दिए गए थे आपके कौन से पार्ट फोर ए पार्ट नाइन ए और पार्ट नाइन बी ये तीन को जोड़ के हमने भारतीय संविधान में संशोधन करा और संशोधन करने के बाद ये तीन सब पार्ट हमने जोड़े और इन तीनों को जोड़ने के बाद टोटल जो पार्ट की संख्या बन जाती है जो आप कह दें पार्ट्स या कह दें आप भाग जो भाग हैं उनकी जो संख्या बन जाती है वो बन जाती है टोटल पच्चीस तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बाईस ही लगाएंगे भारतीय संविधान में कितने पार्ट्स हैं तो बाइस लगाएंगे वैसे पच्चीस हो गए हैं ठीक है अगर आपको पूछा जाए कि सभी को ऐड करके तो आप से चेक कर लिए क्वेश्चन क्या क्या रहा है अगर क्वेश्चन कभी आपके दिमाग में आ जाता है या कह दें कि क्वेश्चन आपका आ गया कि जब भारतीय संविधान बना तो कितने पार्ट्स थे तो आप कहेंगे सर उस टाइम ट्वेंटी टू पार्ट्स थे भाई अब करंट क्वेश्चन बोला जाएगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में करंटली कितने पार्ट हैं तो आप कहेंगे ट्वेंटी फाइव पार्ट्स हैं क्योंकि क्यों ट्वेंटी फाइव क्यों हो गए क्योंकि हमने तीन ये नए ऐड कर दिए उसमें ठीक है चलिए आपके अब आपको बता दें कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या है? ये तो भाई दो इंडेक्स तो पूरा हो गया एक तरह की संविधान की बुक है संविधान की बुक में इंडेक्स चैप्टर होता है भाई कोई बुक खोलते हो आप और बुक में पहला जो पेज आता है कह दीजिए पहले क्या होता है इंडेक्स होता है कंटेंट होता है कि उसमें बताया जाता है कि आपकी बुक में क्या क्या है कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपके और किस कौन उन चैप्टरों के क्या क्या नाम है जो पढ़ेंगे आप अब बनाए क्यों जाते हैं मतलब तो पहले क्वेश्चन दिमाग में ये आता है बनाए क्यों जाते हैं जो तो सिंपल सी बात है इसे बनाने का एक ही कारण है वो कारण ये है कि इस बुक हमको पता चल जाए कि हम जल्दी कोई चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं तो ये नहीं हम पूरे बुक छान रहे हैं भाई ढूंढना ढूंढना लगे पड़े हुए हैं तो वो उसमें क्या इससे पार्ट से उसे चैप्टर बाई चैप्टर ये कह दें या पार्ट हिस्सों भागों में बांटने से क्या हुआ हमें किसी चीज़ को ढूंढने या पढ़ने में आसानी हो जाती है ठीक है एक सिंपल सा रीज़न होता है तो ये सभी पार्ट्स हैं इसमें आपको मैं सारे पार्ट्स नहीं पढ़ाऊंगा देखो ये बहुत सारे 395 आर्टिकल्स बहुत सारे हो जाते हैं तो सारे नहीं पढ़ाऊंगा जो महत्वपूर्ण है आपके लिए या मैं कह दूं कि आपके जो एग्ज़ाम में आना होता है क्योंकि हम क्या करेंगे स्मार्ट स्टडी करेंगे ये नहीं कि सब पढ़ते ही जा रहे हैं पूरा गधों की तरह पढ़ते ही जा रहे हैं वो नहीं करेंगे हम क्या करेंगे स्मार्ट स्टडी करेंगे हम वही वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है बाकी हम छोड़ देंगे ठीक है तो हम टोटल बाईस पार्ट नहीं पढ़ेंगे हम इसे कुछ कुछ पार्ट पढ़ेंगे इनमें से और कुछ कुछ पार्ट मैं आपको पूरे पूरे बताऊँगा पढ़ाता जाऊंगा आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्यों आपके जो आगे चीज़ आने वाली है वो और ही इंटरेस्ट होगी स्टेंटिंग व इंटरेस्टिंग होगी वीडियो जो आपकी आती रहेंगी वो और इंटरेस्टिंग होगी आपको अच्छा लगेगा कि आप पता लगे भारतीय संविधान में क्या क्या है और क्या क्या करा हमने है ना तो क्या क्या कर सकता है आपको कितनी पावर दी गई है आपको बताऊंगा मैं कि आपको कितना आपके पास कितनी पावर है सरकार के पास कितनी पावर होती है इन सभी के बारे में जानकारी दूंगा आपको ठीक है तो चलिए आज ये आपका खत्म हो गया क्या पार्ट्स ख़त्म हो गए अब हम क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ अभी हमने क्या पढ़ा था अभी हमने भाग पढ़ा था अब हम क्या पढ़ेंगे अनुसूचियाँ पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे शेड्यूल्स पढ़ेंगे अब देखो शेड्यूल्स पढ़ेंगे पहले आपका दिमाग क्वेश्चन ये बनता है शेड्यूल्स ये शेड्यूल्स क्या है देखो दिमाग तो में क्वेश्चन ये आता है आपके कि शेड्यूल्स क्या है भाई शेड्यूल्स क्यों भाई जब आपका इंडेक्स हमने बुक खोलते हैं बुक में हमें पता है कि बुक खोलते हैं पहला पेज होता है कंटेंट का या इंडे कहते इंडेक्स का होता है उसके बाद चैप्टर शुरू हो जाते हैं हमारे बुक के हिसाब से देखा जाए तो, तो फिर शेड्यूल्स कौन से संविधान बुक में आते हैं तो आपको बता दें जो शेड्यूल्स हैं वो आपके यहाँ लिखा हुआ है क्या शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एडिड एस अपेंडिक्स टू दूशन बाई दूशनल फ्रेम्स फ्रेमर्स मतलब क्या हो गया भारतीय संविधान की अनुसूचियों को संवैधानिक निर्माताओं द्वारा प्रतिष्ठित या कहते हैं अलग से एक हिस्सा बना दिया गया ठीक है अपल हो गया एक अलग से हिस्सा है ना कोई पार्ट है जैसे ये पूरा हिस्सा है अब इस हिस्से में जगह नहीं बची तो उसे क्या है एक अलग बुक में कर दिया गया तो ये इसमें कहने का मतलब क्या हो गया ये संविधान की बुक तैयार होगी उसमें ये कहीं फिट निमट पा रहा था या फिर आ नहीं पा रहे थे तो उसके लिए क्या है उन हमने एक अलग बुक बना दी तो ये याद रखिएगा ये शेड्यूल जो आपके हैं क्या कहते हैं आपके जो अनुसूचियां हैं वो संविधान की बुक में नहीं है ये अलग से है ये ठीक है आपके अलग से हैं ये सब तो क्या है आपकी जो शेड्यूल्स हैं वो अलग से हैं लिखा आपको बताऊंगा आगे द शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द लिस्ट दैट कैटेगोराइज एंड टेब टेबलेट्स द ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज एंड पुलिस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट मीनस इसका मतलब क्या भारतीय संविधान की अनुसूचिया वह सूची है जो भारत सरकार की नौकरशाही गतिविधियों और नीतियों को वर्गीकृत और सारणीबद्ध करती है अब क्या मतलब समझें हिंदी में भी समझ नहीं आ पाया सर मुझे इंग्लिश में तो आया नहीं था तो क्या हुआ मतलब मतलब ये हुआ जो आपके शेड्यूल्स हैं वो शेड्यूल्स जो आपके होते हैं वो आपके ब्यूरो या कहते हैं एक तरह से आपकी जो सरकार है जो भारतीय सरकार है भारत की सरकार है उसमें काम करने वाले जितनी भी आपके नौकरशाही लोग होते हैं या फिर नीतियाँ होती हैं जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं या फिर आपकी जो भी काम किए जाते हैं उनको देखा जाता है ठीक है कि आपको क्या क्या काम करना है जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको देते हैं कि भाई किसको सैलरी देनी है है ना भाई कौन सा राज्य बनाना है कि कौन सा आपका जैसे पंचायत बनानी है ये ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं आपके ये शेड्यूल से आती हैं ये सब चीज़ कहाँ रखी है शेड्यूल्स में रखी गई क्यों क्योंकि ये संविधान की बुक में कहीं से आ नहीं पाए थे तो इसलिए हमने क्या करा सर, जो आपका शेड्यूल है उसके लिए अलग से बुक निकाल दी अब ऐसा अब ये चीज़ देखो क्वेश्चन भी कभी कभार आ जाता है कि क्वेश्चन ऐसे मतलब क्वेश्चन नहीं आप तो से मिलिए कि बन जाता है अगर बनाना चाहो तो आप क्वेश्चन ये हो जाएगा क्या जो शेड्यूल्स हैं भारतीय संविधान की बुक में है या अलग से हैं ना तो क्वेश्चन देखो ऐसा ऐसा हो सकता है कि वो उसका हिस्सा है कि नहीं है तो देखो तो ऐसा है जो शेड्यूल्स आपके होते हैं वो भारतीय संविधान की बुक हैं उसमें नहीं लिखा गए हैं ठीक है क्या है भारतीय संविधान की बुक में नहीं लिखे गए हैं बल्कि एक अलग से बुक बना दी गई छोटी सी बुक बना दी गई उसके अंदर सारे शेड्यूल्स लिखे गए हैं ठीक है तो वहीं इसमें आगे बता रखा है क्या रखा है दिस शेड्यूल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में ये शामिल नहीं किया गया है. Instead, document, मतलब इसके एक अलग दस्तावेज के रूप में रखा गया इट शुड नॉट इट शुड बी नोटेड दैट दो शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन दे आर पार्ट ऑफ इट मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि जो अनुसूचियां हैं वो भारतीय संविधान में नहीं है पर उसका हिस्सा है भारतीय संविधान में नहीं है मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि जो भारतीय संविधान की बुक है ना उस बुक में नहीं है शेड्यूल्स आपकी अलग सी एक बुक है पर हिस्सा उसी का मतलब आप जानते हैं जैसे आपकी बुक हो गई जैसे एक बुक हो जाती है आपकी बुक बहुत बढ़ गई है और हमें और चाहिए होती आपके है आप दूसरी कॉपी ले लेते हैं ना जैसे आपकी एक कॉपी भर गई कॉपी भरने के बाद आप क्या करते हैं दूसरी कॉपी लेते हो इसी तरह से क्या हुआ जब आपका संविधान बना संविधान में आपकी पूरी बुक बन के तैयार हो गई अब बुक एक तरह से मतलब मान लीजिए बुक तैयार हो गई और उसमें कुछ चीज़ और आई तो उसमें बुक में फिट नहीं हो रही थी मतलब कहीं से उस जगह को डाल नहीं पा रहे थे वो तो हमने क्या करा भाई ऐसा है बुक में क्यों फालतू छिड़कानी कर रहे हम एक अलग बुक ही निकाल दे रहे हैं तो एक तरह से एक छोटी सी बुक ले ली हमने दूसरी उसके अंदर हमने क्या शेड्यूल सीख दिए अपने सारे ठीक है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आपको आप बता दें जब 1950 में जब हमारे देश में जब हमारा संविधान लागू हुआ था ना हमारे देश में संविधान लागू कब हुआ था 26 जनवरी 1950 सही से लिख दें कब हुआ था 26 जनवरी 1950 ठीक है छब्बीस जनवरी 1950 को भारत में अपना संविधान लागू हो गया बनके कब तैयार हुआ तो बनके तैयार हुआ था आपका कब आप कह दें छब्बीस नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान बनके तैयार हो गया था जब भारतीय संविधान बना या कह दें उन्नीस जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान के तैयार हुआ कब 1950 को जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ तो तैयार होने पर अनुसूचिया शेड्यूलों की संख्या कितनी थी तो आपकी टोटल आठ शेड्यूल थे मतलब कहते हैं आठ अनुसूचियां थी जब भारतीय संविधान बना उस समय टोटल आठ अनुसूचियां थी ठीक है बाद में हमने इसे संशोधन किया बाद में हमने क्या संविधान में संशोधन किया कौन से आर्टिकल थे तो 368 आर्टिकल हमारा है संवैधानिक संशोधन है ना उसी के तहत हमने इसमें संशोधन किया संशोधन करने के बाद अब करंट में की बात करी जाए तो टोटल बारह आर्टिकल हो गए हैं बारह शेड्यूल हो गए हैं कितने शेड्यूल हो गए आपके बारह शेड्यूल या कहते हैं बारह अनुसूचियाँ हो गई हैं अब सर ये चार अनुसूचियाँ कब ऐड करी गई कौन से अमेंडमेंट में या संशोधन में हमने ये ऐड करी गई तो मैं आपको आगे बताऊंगा मतलब आगे बढ़ता रहूंगा आपको एक एक शेड्यूल पढ़ाऊंगा मैं और एक एक शेड्यूल पढ़ाने के बाद मैं आपको उसकी जानकारी देता रहूँगा और जो चीज कहाँ कहाँ-कहाँ ऐड हुई वो भी बताऊंगा आपको पूरी एक एक जानकारी दूँगा बस आप बैठे मेरे साथ जुड़े रहिए आप ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं शेड्यूल वन की शेड्यूल वन क्या कहता है आपका शेड्यूल वन आपका कहता है क्या शेड्यूल वन में आपका आता है इट कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटोरियल जोरिडिक्शन ऑफ़ द स्टेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड मीन्स इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल हैं और राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र भी शामिल हैं ये सब आपके पार्ट जो होते हैं स्टेट के वो सब इसी में ऐड किए गए हैं किस आपके आते हैं शेड्यूल वन में आते हैं अब शेड्यूल वन में ये चीज़ आके आकी आ गई हैं क्या क्या, क्या क्या आ गया आपका तो आप कह दें कि आपके जो सभी जो राज्य हैं हमारे स्टेट में हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों का नाम या हमारे हमारे देश में जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उन सभी टेरिटरीज के नाम है ना और जो हमारे देश के हिस्से हो गए मतलब कौन कौन से आप मान चलिए जैसे हमारा अंडमान निकोबार हो गया भाई इंडिया का मैप देखेंगे तो अंडमान निकोबार कहाँ मिलेगा आपको ये इंडिया का मैप एक मान लीजिए अंडमान निकोबार यहाँ तो है ना ये अंडमान निकोबार यहाँ पे है लक्षद्वीप यहाँ पे है तो ये तो भारतीय यह हमारा हिस्सा हमसे अलग है तो इन ये भी हमारा हिस्सा है इस चीज को मेंशन किया गया किसमें शेड्यूल में, 1 में केट किया गया तो इन सभी के नाम कहाँ रखे गए ये शेड्यूल में रखे गए फिर आते हैं आपके शेड्यूल टू पे आते हैं अब शेड्यूल टू क्या है तो शेड्यूल टू आपका एक तरह से है आपके भत्ते के ऊपर मतलब शेड्यूल टू में आप सैलरी की बात करते हैं शेड्यूल टू में बताया गया कि आप सैलरी देंगे किसको कितनी सैलरी देंगे या क्या किसकी क्या सैलरी होगी इसकी जानकारी जो हुए वो आपका शेड्यूल टू के अंदर शेड्यूल टू में लिखी गई हैं मतलब अनुसूची दो में लिखी गई हैं किस उपाधि को कैसे वही आपके लिखा हुआ है क्या द प्रोविजन ऑफ अलाउंसेस प्रिवलेजेस एंड इमोलमेंट्स मतलब क्या होगा गया भत्ते विशेषाधिकार और प्रिलिबद्धियों का प्रावधान तो एक तरह से आपको सारे आपके विशेष अधिकार जो अलाउंसेस होते हैं ना वो उन सभी की जानकारी किसको होते हैं वो आपके शेड्यूल टू में आते हैं आप कौन कौन से लोग इसमें आपके आते हैं किस किसकी सैलरी पर ऐसा तो है नहीं कि पुलिस वाला इंसान है पुलिस में भर्ती आप कहते कहते हैं एक छोटे डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट वाला हिस्सा है या कहते हैं कोई पंचायत में बैठा हुआ है क्लर्क है है ना पंचायत में कोई क्लर्क है उसकी सैलरी यहाँ पर होगी नहीं ऐसा नहीं होता सबकी सैलरी नहीं होती है यहाँ कुछ ही लोग होते हैं नाम याद कर लिए कौन कौन से भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर ऑफ इंडिया भारत के राज्यपाल और कौन से चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मतलब राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति इनकी सैलरी इसमें होती है चेयरमैन ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लोकसभा मतलब लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष इनकी जो सैलरी अलाउंसेज जो और वो सभी होते हैं वो सभी इसी आते हैं और पांचवा आता है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडियन स्टेट मतलब भारतीय राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनकी सैलरी और अलाउंसेस उसमें आते हैं चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द इंडियन स्टेट मतलब भारतीय राज्यों के विधान परिषद और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये सब इन सभी की सैलरी आपके शेड्यूल टू में आती है और सुप्रीम कोर्ट जजेस जो होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं उन सभी की सैलरी होती है वो आपके शेड्यूल टू में आती है मतलब कैसे अनुसूचित दो में आती है वहीं आपका कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जैसे हम कैग कहते हैं जो कैग होता है उसकी सैलरी भी आपके शेड्यूल टू में होती है और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं मतलब हाई हाईकोर्ट जज होते हैं उनके भी या कहते हैं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी भी जो सैलरी है वो सभी सैलरी आपकी शेड्यूल टू में बता रखी है अलाउंसेज जो प्रवलेजेस दिए जाएंगे उन्हें विशेष अधिकार दिए जाते हैं या आपको जो जो चीज़ मिलती है उन्हें एक तरह से उनको, पाव, उनको पावर उनको सैलरी पावर क्या क्या दी जाएगी वो सब इसी में बता रखा है किसमें शेड्यूल टू में आते हैं आपके ठीक है तो ये आपको देखें ये सब याद के लिए कौन कौन सा हो गया आपके प्रेसिडेंट हो गया गवर्नर हो गया चेयरमैन हो गया है ना और चेयरमैन किसके लोकसभा और राज्यसभा दोनों के और डिप्टी चेयरमैन जो होता है उपचेय उपाध्यक्ष कहते हैं दोनों के उनकी सैलरी लोकसभा जो स्पीकर होते हैं हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के है ना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उनकी भी सैलरी चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल उनकी सैलरी इसमें सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी सैलरी कैक की सैलरी और कोर्ट के जजेस होते हैं उन सभी की सैलरी इसके अंदर आती है आपकी ठीक है चलिए आपका क्या हो गया आपका शेड्यूल टू क्या हो गया शेड्यूल टू में बात करी जा रही है सैलरी के ऊपर बात करी जा रही है के ऊपर बात करी जा रही है चलिए आगे बढ़ते हैं तो शेड्यूल थ्री आते हैं अब शेड्यूल थ्री में क्या आता है भाई शेड्यूल थ्री में आता है आपका आपकी ओथ मतलब शपथ जो होती है या कौन सा पद कौन सा व्यक्ति कहाँ पे शपथ लेगा क्या कैसी शपथ लेगा वो आपकी जिस जानकारी कहाँ होती है वो आपकी आती है आपकी शेड्यूल थ्री में तो क्या आता है इट कंटेन्स द फॉर्म ऑफ ओथ एफर्मेशन फॉर मतलब इसमें शपथ और विज्ञापन का रूप शामिल है कौन कौन से कौन 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 से लोग शपथ ले सकते हैं इसमें आते हैं आपके आते हैं यूनियन मिनिस्टर मतलब भारत के जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उन सभी की जो शपथ होती है वो शेड्यूल थ्री में होती है पा, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट मतलब जो पार्लियामेंट के जितने भी इलेक्शन कैंडिडेट होंगे लो, ज लोकसभा राज्यसभा इन सभी के जो इलेक्शन कैंडिडेट हो, होते हैं इनके सदस्य जो होते हैं इन सभी की जो उम्मीदवार या कहते हैं उम्मीदवार भी जो हुए उन सभी की जो शपथ होती है वो शेड्यूल थ्री में आती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के जो सदस्य जो होते हैं है ना उन सभी की जो आपकी ओत जो होती है या तो कहते हैं से शपथ जो होती है या प्रतिज्ञान जो होता है वो सभी किस में आता है वो आपका आता है शेड्यूल थ्री में आता है सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं कै कैक जो आता है आपका स्टेट मिनिस्टर हो गए स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन कैंडिडेट हो गए स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स हो गए और हाई कोर्ट के जजेस हो गए इन सभी की जो आपकी कह दें ओथ जो है या कह दें शपथ है वो शेड्यूल थ्री में आती है अब देखो सर क्या किसी की आपके दिमाग क्वेश्चन नहीं आ गया क्या कोई ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी इनकी जो शपथ है वो शेड्यूल में नहीं आती है बिल्कुल है कौन कौन से आपके हैं आपके राष्ट्रपति हो गए उपराष्ट्रपति हो गए और गवर्नर हो गए इन तीनों की शपथ क्या आती है वो आपकी शेड्यूल थ्री में नहीं आती है ठीक है याद रखिएगा दो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाता है तो घुमा के क्वेश्चन पूछेगा याद क्या कर लोगे आप याद तो ये कर लोगे कि भाई हाँ इसमें किस किसकी शपथ आती है वो तो आप याद कर लोगे पर क्वेश्चन ये दिमाग बन जाता है कि ये सारे नाम हो गए आपके यूनियन मिनिस्टर हो गए आपके पार्लियामेंट कैंडिडेट हो गए उनके मेंबर्स भी हो गए हाई कोर्ट के जज हो गए सर सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए कैग हो गए स्टेट मिनिस्टर हो गए लेजिस्लेचर इलेक्शन कैंडिडेट जो हो गए आपके स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर भी हो गए हाई कोर्ट के जजेस हो गए इन सभी की शपथ तो इसमें दे रखी होगी तो जाहिर सी बात है दुम क्वेश्चन ये आता होगा कि भाई प्राइम प्राइम मिनिस्टर भी और गवर्नर की भी उपराष्ट्रपति की वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की भी शपथ इसी में होगी पर ऐसा नहीं है जो तीन लोग हैं आपके कौन से प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन तीन की शपथ शेड्यूल थ्री में नहीं आती है याद रखिएगा ठीक है क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा ये नहीं पूछेगा कि इनमें से किसकी शपथ आती है इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें किसकी शपथ नहीं आती है शेड्यूल थ्री में इन चारों में से तो आपको इसमें बताना याद रखना है कौन कौन से तीन लोग नहीं आते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर ठीक है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब आपका आता है शेड्यूल फोर अब शेड्यूल फोर के ऊपर बात करी जाए तो शेड्यूल फोर में क्या आता है इसमें आपके आपके आते हैं स्टेट्स मतलब आपको यहां बताई जाती है क्या बताया जाता है इट कंटेन्स प्रोविजन एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर यहां टेरिटे राज्यसभा की बात करी जा रही है किसकी बात करी जा रही है राज्यसभा की बात करी जा रही है या क्या कहते हैं आप अपर हाउस की बात करी जा रही है किसकी अपर हाउस की बात करी जा रही है यहाँ पे ठीक है अपर हाउस की बात करी जा रही है या हम कह दें राज्यसभा राज्यसभा की बात करी जा रही है ठीक है राज्यसभा की यहां पे बात करी जा रही है तो यहां पे राज्यसभा के कैसे सर क्या बात करी जा रही है तो इसमें बताया गया है कि जो राज्यसभा में जो राज्य हमारे होते हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी सीट कैसे बांटी जाएगी अब देखो भाई कैसा हमारे जो राज्यसभा है उसके मेंबर्स भी होते हैं होते हैं ना वहाँ सीट होती हैं आपकी सीट होती हैं बिल्कुल होती हैं आपके अब सीटें होती हैं अब ये तो है नहीं कि एक राज्य से सारे लोग उठा लिया एक से बिल्कुल ना उठाएं तो उसमें एक रूल बना रखा है कि, कि किस राज्य से कितने कितने लोग आएंगे इन सभी का जो प्रोविजंस है या आप कह दें यहाँ पे जो प्रावधान है वो प्रावधान आपके शेड्यूल चार में आते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आपका आता है शेड्यूल पाँच या कह दें अनुसूची पाँच अनुसूची पाँच किसके बारे में बात करती है यहाँ बात करती है आपकी एस सी एस टी के ऊपर बात करी जाती है या हम कह दें इट प्रोविजंस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मीन्स इसमें अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान है ठीक है हमारे जितने भी एस टी एस टी एस सी एस हैं या हम कह दें अनुसूचित जातियां हैं या फिर ट्राइबल जो है शेड्यूल्ड ट्राइवल जो है उन सभी के बारे में जानकारी जो है इसमें दे रखी है उनकी आप उनके नियंत्रण में या प्रशासन कैसे किया जाएगा, कैसे जाएगा? तो है ना या उनके नियंत्रण कैसे या कंट्रोल कैसे किया जाएगा उन सभी चीज की जानकारी किसमें आपके शेड्यूल पांच में आपका है किसमें आपका है शेड्यूल पंचम चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपका आता है कौन सा शेड्यूल शेड्यूल छः में क्या आता है शेड्यूल छः आपका छः में आता है आपका इसे आप कह सकते हैं शेड्यूल छः को फोर स्टेट आते हैं इसमें कौन से आते हैं फोर स्टेट आते हैं हमने क्या है चार राज्य बनाए स्पेशल राज्य बनाए हैं अब इसमें कौन कौन क्या आता है अब बात करें तो इट कंटेन्स प्रोविजंस अबाउट दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज तो भाई ट्राइबल एरियाज के जो स्टेट्स हैं उनके बारे में बात करिए जी। अब ट्राइबल एरियाज स्टेट कौन कौन से हैं तो यहाँ उनको भी डिफाइन कर दिया कौन कौन से असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम ये चार राज्यों के ऊपर बात करी जा रही है इनके जो ट्रैवल एरियाज हैं उनके ऊपर बात करी जा रही है ऐसे कह दें हिंदी में तो इसमें असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम मिजोरम सॉरी मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है तो इन चार आप राज्यों की स्पेशल जो आप कह दें एक तरह प्रावधान दिया गया इन चार राज्यों में इनके जो ट्राइवल एरियाज हैं जो आप कह दें जो ट्राइवल लोग्स हैं उनके लिए एक स्पेशल प्रावधान है इन चारों राज्यों के अंदर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपका आता है शेड्यूल सेवन शेड्यूल सेवन किसकी बात करता है तो शेड्यूल सेवन आपकी बात करता है थ्री लिस्ट मतलब थ्री लिस्ट की बात करता है कौन सी थ्री लिस्ट तो आपके थ्री लिस्ट की बात करता है कौन कौन सी आपकी होगी यूनियन यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरण लिस्ट या हिंदी में कह दें संघीय सूची राज्य सूची या संवर्ती सूची ये तीन सूचियां आपकी आती हैं किसमें शेड्यूल सेवन में या कह दें अनुसूची सात के अंदर आपकी आती हैं ये तीन आपकी सूचियां ठीक है तो वही आपको बता रखे तीन तीन सूचियों अब देखो क्वेश्चन बनता है कि किसमें कितने हैं भाई जब संविधान बना जब हमारा संविधान बना यहाँ पे बात करी जा रही है नाइनटीन फिफ्टी जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ तब की बात करी जा रही है तब जो आपके मैटर्स हैं यूनियन के अंदर आते थे नाइनटी सेवन स्टेट के अंदर आते थे जैसे सिक्सटी सिक्स और कंकरेंट मतलब कंकरेंट मतलब क्या कहता है जिसमें आपका स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों काम कर सकते हैं दोनों में मतलब कोई भी इसमें छिड़कान आपका ए, काम या एडिटिंग या कुछ कोई भी तरह से ए, काम कर सकता है ठीक है तो अब ये चीज है जैसे ये तीन लिस्ट है आप पहले लिस्ट वगैरह समझा दूँ आपको सबसे क्या है लिस्ट समझा दूँ देखो तो यूनियन यु, लिस्ट का मतलब हो गया यहां पे सेंटर गवर्नमेंट ठीक है स्टेट मतलब हो गया यहाँ पर राज्य सरकार लिस्ट मतलब वो ऐसी लिस्ट होती है जिसमें आपकी आती है क्या जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कार्य कर सकते हैं अब पहली लिस्ट होती है आपकी यूनियन लिस्ट तो यूनियन लिस्ट में क्या होता है इसमें खाली क्या है केंद्र सरकार ही काम करेगी इसमें राज्य सरकार हाथ नहीं डाल सकती याद रखिएगा जो यूनियन लिस्ट के अंदर चीजें आती हैं उसमें राज्य सरकार हाथ नहीं डाल सकती तो वो कौन कौन सी कितनी लिस्ट है नाइन्टी सेवन ऐसी लिस्ट है या कहते नाइन्टी सेवन मैटर्स हैं जिसमें राज्य सरकार अपना हाथ नहीं डाल सकती ऐसे ही राज्यों के लिए कुछ लिस्ट है स्टेट लिस्ट है ठीक है स्टेट लिस्ट है इनमें भी कोई पावर दी गई तो इनके अंदर आते हैं टोटल सिक्सटी सिक्स आपके मैटर्स आते हैं इन सिक्सटी सिक्स मैटर की बात की जाए है, तो ये राज्य के मैटर हैं इसमें क्या है केंद्र कोई काम नहीं कर सकता है। कर कहते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कोई छेड़ाखानी नहीं कर सकती ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वही इसमें छेड़ाखानी कर सकती है आपकी केंद्र सरकार हमें छेड़ाखानी नहीं कर सकती ठीक है फिर आपकी कंकरेंट लिस्ट आती है कनकर लिस्ट मतलब हो गया कि भाई ऐसी लिस्ट जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में से कोई भी कुछ भी कर सकता है दोनों में से कोई भी एडिटिंग या जोड़ घटाव कर सकता है लिस्ट के अंदर ठीक है यह कहते हैं ये लिस्ट हो गई या तो कहते ऐसे मैटर्स आप कीजिए है ना आपके देश के ऐसे मैटर्स जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून या कोई प्रावधान या कोई नीति बना सकते हैं है ना ऐसे आपके मैटर कितने आते हैं फोर्टी सेवन मैटर्स आते हैं इसमें कंकरेंट लिस्ट में तो ये हो गया नाइनटीन फिफ्टी और करंट की बात करें मतलब हाल ही में अभी जो अभी आपका जो करंट लिस्ट है उस करंट लिस्ट की बात करी जाए तो यूनियन जो आपकी लिस्ट है उसमें टोटल जो मैटर्स हो गए वो हंड्रेड मैटर हो गए मतलब ऐसे सौ मामले सौ मैटर्स ऐसे कहते हैं या मामले हैं जिसमें आप क्या है केंद्र सरकार ही कुछ छेड़ा कर सकती है या उन उनपे विचार कर सकती है राज्य सरकार के पास पावर नहीं है अब राज्य सरकार में कितने हो गए ये हो गए 66, 61 सिक्सटी कितने हो गए 66 से कितने हो गए 61 हो गए मतलब पांच कम कर दिए गए ठीक है और कनगण लिस्ट में कितने हो गए इसमें पांच कम कर दिए गए और यहाँ पे आपके समझिए पांच बढ़ा दिए गए क्या है यहाँ पांच कम कर दिए गए यहाँ पांच बढ़ा दिए गए तो ये कितने हो गए फिफ्टी हो गए तो अब ऐसे बावन में ऐसे मामले हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर दोनों काम कर सकती है ठीक है या उस उसके हिसाब से काम कर सकती है सिक्सटी वन या इकसठ मामले ऐसे हो गए मैटर ऐसे हो गए जिसमें खाली राज्य सरकार ही काम कर सकती है और ऐसे सौ मामले ऐसे हो गए या सौ मेटर्स ऐसे हो गए जिसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम कर सकती है अब दिमाग में ऐसा आएगा कि ये सर ये ये दो ऐड कब किए गए है ना ये कब ऐड कर दिए गए तो ये ऐड किए गए हमने जो हमने चेंज कर दी ना इंटरचेंज कर दी ना भाई इसमें से क्या करा हमने ये क्या करा ये तो आपके देखा जाए इसमें तो हमने क्या है बढ़ा दिए मैटर भाई ऐसे लग रहा था कुछ ऐसे नए मैटर आ गए सामने तो उसको हमने ऐड कर दिया तो ये क्या तीन ऐड कर दिए वो तो कोई दिक्कत नहीं इसमें हमने क्या करा है स्टेट लिस्ट और कंक्रंट लिस्ट की बात करी जाए तो हमने स्टेट लिस्ट से पाँच मैटरों को कम कर दिया मतलब पाँच मीटर घटा दिए और कंक्रंट लिस्ट है उसमें पाँच मीटर ऐसे इसमें बढ़ा दिए क्यों कर रहा हमें ऐसा लगा जब हमने देश चढ़ने लगा तो उसमें हमें ऐसे लगा कि भाई ऐसे कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें केंद्र सरकार का भी हासिल करना जरूरी है तो हमने एक संशोधन किया कौन सा किया फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट किया नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में इसमें के तहत हमने क्या कर दिया इसमें तो हमने क्या है राज्य में राज्य की जो सूच लिस्ट थी उसमें जो पाँच मैटर थे उनको लेके हमने जो कंकरेंट लिस्ट थी या कहते हैं समर्थी सूची थी उसके अंदर जोड़ दिए ठीक है तो इसमें क्या हुआ उसके बाद ऐसा करने से क्या होगा राज्य के पास जो मैटर बचे वो सिक्सटी वन बचे और जो समर्थी सूची में जो लिस्ट बच गए वो हो गए टोटल फिफ्टी टू ठीक तो ये कब करा गए? 42nd Amendment 1976 में करे गए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ किसकी बात करिए शेड्यूल सेवन की बात करिए तो शेड्यूल सेवन में हमने क्या क्या करा या पर कौन से संशोधन हुए उस चीज जानकारी दे दें तो आपको बता दें कि हमारा जो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन फोर्टी सेवन हुआ था फोर्टीन सेवनमेंट फोर्टी सेवन अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन इसमें जो आपके पांच सब्जेक्ट हो गए वो ट्रांसफर कर दिए लिस्ट को जैसे मैंने अभी आपको बताया अब पांच सब्जेक्ट कौन कौन से हैं भाई अब दिमाग में ये आएगा सर पांच मैटर कर तो दिया आपने सब्जेक्ट अब पांच सब्जेक्ट कौन कौन से पांच सब्जेक्ट नहीं तो बताओ तो पांच सब्जेक्ट आपके हो गए कौन कौन से एजुकेशन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वेट एंड मेजर्स या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस मतलब न्याय का न्याय का प्रशासन तो ये पांच लिस्ट ऐसी हो गई जिसमें पहले क्या खाली केंद्र आपके राज्य सरकार ही काम कर सकती थी वैसे जैसे शिक्षा में जंगलों में या जंगली जानवरों और पक्षियों के संरक्षण में वजन और माप में न्याय का प्रशासन न्याय का प्रशासन इन सभी पांचों मामलों में पहले कौन सिर्फ राज्य ही काम कर सकता था पर हमें ऐसा लगा बाद में जब हमने देश चलाया तो हमें लगा कि भाई ये राज्य के हाथ में तो है भी है पर केंद्र के अंदर भी आना चाहिए मतलब यूनियन लिस्ट में भी इसे होना चाहिए ना उस वो भी इसमें कुछ कर सके क्योंकि वो केंद्र सरकार है तो जब हमें लगा ऐसा होना चाहिए पर उसमें जब बहस छिड़ी बोले आप हमसे एजुकेशन ले लो हमारे पास बचे क्या आपके जो मिन मिन मैटर क्या हो गए एक्शन हो वो एजुकेशन हो गए फॉरेस्ट हो गए अब जो राज्य कहने लगे राज्य ये कहने लगे कि बोले ऐसा भाई पढ़ाई हमारे राज्य में हो रही है है ना और सब आप ले लोगे तो हम क्या करेंगे ये छीनेंगे भाई हम क्या करेंगे फिर पढ़ाई आप ही देखोगे हम तो कर ही नहीं कर ही नहीं पाएंगे शिक्षा के मामले में तो जब ऐसी बहस छिड़ी तो इसका एक जो तोड़ निकाला गया या कहते हैं फाइनल डिसीजन हुआ कब वैसा फाइनल डिसीजन ये लिया गया ये ऐसा करते हैं कि लड़ाई नहीं करते लड़ाई लड़ो मत ऐसा कर रहे हैं इसको हम सम्भरती सूची में जान देते हैं इसमें क्या हो जाएगा राज्य भी इसमें इस इन पांच सब्जेक्ट पे काम कर सकती है और केंद्र सरकार भी इस पांच सब्जेक्ट पे काम कर सकती है इससे क्या हुआ दोनों लोग खुश हो गए कौन राज्य भी खुश हो गया केंद्र भी खुश हो गया कि भाई जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें इस संशोधन कर लेंगे और जब के रा, आपको राज्य सरकार जरूरत पड़े तो वो अपने हिसाब से संशोधन कर लेंगे क्योंकि हर राज्य में अपनी अलग अलग शिक्षा नीति है अपने अलग अलग जंगल होते हैं हर राज्य के भाई वहाँ पर अलग अलग जंगली जानवर और पक्षी होते हैं हर राज्य में हर राज्य का अपना वेट और मेजर्स करने का तरीका अलग होता है है ना और वहाँ पर जो न्याय का प्रशासन है या आप कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है वो भी अलग अलग होता है है ना तो इस हिसाब से क्या हुआ कि राज्य तो कर ही सकते हैं उन्हें लगता है कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें राज्य छिड़ाई ना करें तो अच्छा है केंद्र सरकार उसको देख देती है कि वो देखने के लिए शांति तो ये पांच मैटर्स आपके जो है वो समर्थी सूची में डाल दिए गए और कौन से अमेंडमेंट फिर हमने क्या करा अमेंडमेंट कर दिया हमने अपने देश में क्या है संशोधन कर दिया संविधान में कौन सा फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट किया कब किया 1947 में तो याद रखिएगा ये 1947 में पांच मैटर जोड़े गए ठीक है तो ये कह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन तो यार इसमें जो आप कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इसका मतलब क्या हुआ सर आपका दिमाग में ये भी तो आएगा कि क्वेश्चन अभी दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर बाकी सब तो बता दिया आपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मतलब समझ नहीं आया इसमें क्या हुआ तो देखो तो इसका मतलब ये हुआ जो आपका लोअर कोर्ट होता है एक तरह से मानते ना लोअर कोर्ट जो होता है या कहते हैं निचली अदालत जो होती है आपकी उसके जो जज हैं उनके जजेस हैं, उनको कौन देखेगा वो राज्य सरकार देखेगी ठीक? केंद्र देख ही सकती है पर राज्य भी सरकार भी देख लेगी उसे कौन देखेगा गवर्नर देखेगा उसको कौन देखता है गवर्नर एक तरह से केंद्र सरकार का हेड कौन होता है प्रेसिडेंट होता है वैसे राज्य सरकार का हेड कौन होता है गवर्नर होता है ठीक है तो अब जितने भी जो आप नए न्यायालय बनाने हैं जैसे अब लगता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो फिक्स होता है भाई देखो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कि आप इधर भी हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया एक और जगह सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं होता हर जगह सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एक ही जगह रहता है मतलब स्टेट वाइज कहते हैं या कुछ स्टीटों का एक है ना तो वो जनसंख्या के ऊपर बात करी जाती है जनसंख्या जहाँ पर ज़्यादा है जिन राज्यों में तो उन उस राज्य को एक हाई कोर्ट दे दिया गया जहाँ लगता है कई राज्यों में आस पास के राज्यों में देखा गया कि उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है तो उनकी उन तीनों राज्यों या दो राज्यों का एक हाईकोर्ट कर दिया गया है ना ऐसा कर दिया गया था तो उन्हें तो छेड़ाखानी नहीं कर सकते भाई वो तो सीधा मैटर किसके हैं वो सेंटर के हैं इससे तो आप छेड़ाखानी नहीं कर सकते पर जो आपकी निचली अदालत जो होती है उसमें या कहते हैं आप जो लोअर कोर्ट जो होती है उसमें आप क्या है आप आ सकते हैं है। कौन आ सकते केंद्र सरकार भी आ सकती है राज्य सरकार भी आ सकती है कैसे आ सकती है कि दोगो जो लोअर कोर्ट कितने बनाने हैं आपको अपने राज्य में इसकी जो पावर है वो राज्य के पास भी है और स्टेट के पास भी है कैसे अगर कभी ऐसा लगा राज्य या सेंटर को ऐसा लगा कि देखो तो ये स्टेट है इस स्टेट में जो आपके कोर्ट हैं या आप कहते हैं न्यायालय हैं इनकी संख्या कम है जो लोअर कोर्ट हैं उनकी संख्या कम है तो केंद्र सरकार क्या है उसमें संशोधन कर सकती है और उसमें और आपके लोअर कोर्ट ऐड कर देगी या राज्य को ऐसा लगा कि हमें कुछ कोर्ट चाहिए हमारे देश राज्य में कम है तो वो वो भी ऐड कर सकते हैं ठीक है ये दोनों चीज के को उनमें कोई भी हट सकता है वही इसका मतलब यहां पर यह कह दिया गया है कि जो आपका आखिरी पॉइंट है ना इस पॉइंट आखिरी पॉइंट में ये बात कह दी गई कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ के बाकी जो एक कोर्ट बता आपका लोअर कोर्ट उसको उस बनाने का या कह दें कंस्ट्रक्ट करने का या उसे पूरा बनाने का या संगठन करने गठन करने का संगठन करने का अधिकार किसको मिल जाता है केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दोनों को मिल जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आपका आता है एट्थ शेड्यूल एट्थ शेड्यूल किस में आता है एट शेड्यूल नंबर आती है आपकी ट्वेंटी टू ऑफिशियल लैंग्वेज समझती आती है बाईस लैंग्वेज की बात करिए आईए इसमें तो पहले कितनी थी टोटल चौदह चौदह कब थी चौदह थी आपकी नाइनटीन फिफ्टी जब आपका भारतीय संविधान लागू हुआ तब टोटल चौदह लैंग्वेज थी फिर बाद में इसे हमने संशोधन कर करके ऐड कर दिया गया अब मैं आगे बताऊंगा आपको क्या कि वो आपकी बाईस लैंग्वेज कौन कौन सी है और जो चौदह लैंग्वेज से बाईस लैंग्वेज हुई मतलब कितनी भाषाएं ऐड कर दी गई हमने आठ भाषाएं ऐड करी गई ये आठ भाषाएं कब कौन कौन से संशोधन के तहत ऐड कर दी गई इस अनुसूची में तो चलिए ये आपकी बाईस भाषाएं हैं कौन कौन सी आपकी होगी असमीज हो गई मणिपुरी हो गई मराठी हो गई हिंदी हो गई उड़िया हो गई पंजाबी हो गई संस्कृत हो गई कश्मीरी हो गई गुजराती हो गई तमिल हो गई होगी हो गई उर्दू हो गई मलयालम हो गई बंगाली हो गई सिंधी हो गई डोंगरी हो गई या कहते हैं डोंगरी भी कहते हैं इसको नेपाली नेपाली हो गई कोंकड़ी हो गई कन्नड़ हो गई संताली हो गई बोडो हो गई या माथली या मैथिली ये दोनों में से कोई भी ये टोटल बास भाषा बाश, बाईस भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में रखी गई हैं या कहते हैं कि इनको हमने अपने उनको मान्यता दी है अपने संविधान के अंदर ठीक है चलिए अब हम दो अठारह तो ऐड हो गई थी आपकी पहले ही ठीक है अठारह ऐसे ही हैं और वो सॉरी अठारह कह रहा हूँ चौदह पुरानी है बाकी आपकी ये आठ कौन सी ये एड है आठ भाषाएं ये कब ऐड करी गई तो वही उसकी बात करते हैं तो आपकी बात करें कि जब हमने ट्वेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट करा था ट्वेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सिक्सटी सेवन में उसमें हमने सिंधी भाषा जोड़ी सॉरी कौन सी भाषा जोड़ दी सिंधी भाषा जोड़ दी ठीक है कौन सी कब जोड़ी गई नाइनटीन में जोड़ी कौन सी भाषा सिंधी में फिर हमने सेवेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन में करा जब उन्होंने भारतीय संविधान में संशोधन किया 1992 में कौन सा हुआ सेवेंटी संशोधन किया उसमें हमने तीन भाषा ऐड कर दी गई कौन कौन सी हमने कही कोकड़ी मणिपुरी नेपाली ये तीन भाषाओं को हमने जोड़ दिया अपने शेड्यूल में या कहते हैं अनुसूची में जोड़ दिया कौन से आठवीं अनुसूची में फिर हमने नाइन्टी अमेंडमेंट किया टू में उसमें हमने चार भाषाएं जोड़ दी कौन कौन सी हो गई आपकी बोडो डोगरी मैथिली या संथाली और संथाली ठीक है संताली संथाली नहीं, संताली हुआ ये चार टोटल आठ भाषाएं हमने तीन संशोधन के तहत जोड़ी कब कब जोड़ी 1967 में कौन सी जोड़ी सिंधी जोड़ी 1992 में कौन सा संशोधन किया गया सेवेंटी फर्स्ट संशोधन किया गया इसमें कितनी भाषा जोड़ी तीन भाषाएं जोड़ी कितनी जोड़ी तीन जोड़ी इसमें सिक्सटी में कितनी एक फिर नाइन्टी नाइन्टी uh, सॉरी सेवेंटी फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया नाइन्टीन नाइन टू में इसमें तीन जोड़ी गई और नाइन्टी सेकेंड अमेंडमेंट किया गया टू थाउजेंड थ्री के अंदर इसमें टोटल कितनी चार भाषाएं हमने जोड़ी तो टोटल लाइक कितनी भाषाएं हो गई है हमारे शेड्यूल एट में टोटल बाईस भाषाएं हो गई हैं ठीक है अब चलते हैं आपके अगले शेड्यूल पे शेड्यूल नाइन पे अब देखो ये बात तो हमें पता थी देखो शेड्यूल एट तक तो हम फिक्स हो गए कि शेड्यूल एट में ये तो आठ अनुसूचिया तो हमारा जो संविधान बना तब तो रखी गई कितनी आठ सौ टोटल कितनी अनुसूची थी आठ अनुसूचियां थी अब उसके बाद क्या है हमने जब 1950 के बाद देखा कि अभी अनुसूचिया कम लग रही है इसमें और होनी चाहिए कुछ मैटर्स तो हमने वो ऐड करते गए धीरे धीरे कब फिर हमने क्या जोड़ी सबसे तो पहले जोड़ी हमने शेड्यूल नाइन मतलब अनुसूची नौ बनाई ये क्या करता है ये जो आपका है यह राज्य के अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है जो भूमि सुधारों और जमींदारी प्रथा के उमूलन से संबंधित है यह अन्य मामलों से निपट अन्य मामलों से निपटाने वाले संसद अधिनियम और विनियमों के संबंध से भी संबंधित हैं इसमें टू 248 अधिनियम या कहते हैं एक्ट आते हैं ठीक है ठीके? अब इसका मतलब क्या है सर शॉर्ट में बताइए ना क्या है इसमें तो सीधी सी बात इसमें क्या आता है आपका जुडिशरी आता है क्या आता है आपका जुडिशरी आता है अरे दूर दूर हो गया क्या आता है जुडिशरी आता है क्या आता है जुडिशरी आता है आपका ठीक है किस में आता है शेड्यूल नाइन में आपके क्या आता है न्यायिक 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 जो है आपकी आपके जुडिशरी आता है वो शेड्यूल नाइन में आता है तो ये कौन सी आपकी जो जमींदारी सिस्टम हमने हटाया ना लैंड रिफॉर्म करे है ना और क्या नाम है कुछ अधिनियम्स हैं या कुछ एक्ट हैं रेगुलेशंस हैं उनको हमने पार्लियामेंट के डीलिंग के साथ और, और मैटर के साथ हमने बनाए इसमें आपको याद रखना कि इसमें कितने मैटर्स एक्ट आते हैं तो टोटल टू फोर्टी एट एक्ट आते हैं ये चीज़ याद रखना कि जरूरी है ठीक है अब दिमाग में सर ये आ रहा होगा भाई बता तो दिया कि इसमें है क्या आपने तो बता दिया कि शेड्यूल लाइन में जुडिशरी आती है है ना न्यायिक समीक्षा आती है पर इसे ऐड कब किया गया ये तो बताइए सर तो हम मैं आपको बता दूं जब हमने फर्स्ट अमेंडमेंट किया था कब किया गया था नाइनटीन में मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ ठीक एक साल बाद हमने फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया उसमें हमने अपना नाइन शेड्यूल डाल दिया गया था ठीक है अब इसमें ऐसा क्या था भाई तो इसमें बताया गया कि नाइन शेड्यूल को टू प्रोड्यूस दॉस इंक्लूडेड इन जुडिशल ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या हुआ कि जब पहला संशोधन किया गया ऐसा पहला संशोधन किया गया उन्नीस में तो 1951 में तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच में शामिल कानूनों को बनाने के लिए नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया था ठीक है किसे जोड़ा गया था आपके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच में शामिल कानूनों को बनाने के लिए हमने अपना नाइन्थ शेड्यूल बनाया ठीक है फिर बात हो रही है क्या जब 1951 में 9 ईयर डाला गया पर दो में क्या हालांकि दो में क्या है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अप्रैल 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल कानून अब न्यायिक समीक्षा के लिए खुले रहेंगे मतलब क्या हुआ 1973 से पहले जो आपके कानून बनाए गए थे उनमें क्या है सुप्रीम कोर्ट क्या है समीक्षा नहीं कर सकता था मतलब कोई या आपकी रिव्यू नहीं कर सकता उसको क्या है जो कानून बना दिए उनको देख नहीं सकता तो बन गए तो बन गए पर ये एक सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में फैसला सुनाया कि ऐसा है चौबीस अप्रैल 1973 के बाद जितने भी आपके कानून बनाए गए हैं किसने आप शेड्यूल एट के अंदर वो शेड्यूल नाइन के अंदर वो सभी कानूनों की न्यायिक जाँच या आप कहते हैं न्यायिक समीक्षा आपको कर सकते हैं उसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट को पावर मिल जाती है कि जो रूल है उसके देखें उसको जांचें अगर, अगर लगता है कि कुछ कमी है तो उसमें क्या है बाद में सरकार से कहे कि इसमें सुधार करें ठीक है इससे पहले सुधार नहीं कर सकती थी चलिए आगे बढ़ते हैं अब आता है शेड्यूल टेन अब शेड्यूल टेन क्या आता है शेड्यूल टेन में क्या आता है इसमें आता है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ तो शेड्यूल टेन में क्या आता है एंटी डिफेक्शन लॉ ए क्या आता है इसमें आप समझ लीजिए इट कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू दी डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड दिलेशन द्राउंड ऑफ डिफेक्शन आप क्या हो सर मुझे समझ में आया तो क्या कहेंगे आप इसमें कह दें इसमें दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सांसदों संस, या कह दें सदस्यों को सदस्यों की अयोग्यता आयो, से संबंधित प्रावधान है ठीक है तो क्या है इसमें जो आपके जो आपको जो है एंटी डिफेक्शन हो जाता है कि आपके सदस्य हैं उनकी अयोग्य कोई सदस्य सही से काम नहीं पकवा रहा है या फिर कहता है कि ये धोखा दे रहा है ना एंटी डिफेक्शन लग जाता है उसी ऊपर दल बदल कानून जो हम कहते हैं इस तरह से दल बदल कानून कहते हैं इसको ठीक है तैयार तो रखिएगा ये किस में आता है आपका टेन में आता है तो इसमें क्या बता दूँ आपको कि आपकी जो जो इस आपका शेड्यूल है ये कौन सा शेड्यूल आपका शेड्यूल दस है वो जो जोड़ा गया था आपका फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन एट्टी फाइव मतलब देखो पहला कब जोड़ा नाइनटीन फिफ्टी वन में नाइन्थ नाइन्थ कब जोड़ा नाइन्थ हमने जोड़ा नाइनटीन फिफ्टी वन में नाइनटीन फिफ्टी वन में जोड़ा ठीक है और हमने आपका जो टेंथ शेड्यूल है वो कब जोड़ा वो जोड़ा हमने क्या है नाइन्टीन एट्टी फाइव में ये कौन सा था फर्स्ट अमेंडमेंट था अमेंडमेंट एक्ट और ये कौन सा हो गया ये फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने ये दो शेड्यूल जोड़ दिए ठीक है इस शेड्यूल नाइन किसका है जुडिशल रिव्यू का शेड्यूल टेन किसका है एंटी डिफिक्शन लॉ ठीक है ये सीधी बात हो गई इसमें कुछ नहीं इसमें चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अब आपको पढ़ाते हैं शेड्यूल इलेवन अब शेड्यूल इलेवन में क्या है तो शेड्यूल इलेवन में आपका आता है आपका नगर नगर आपकी नगर पंचायत जो आती है वो शेड्यूल तो इसमें क्या होता है इट कंटेन्स इट कंटेन्स दैट स्पेसिफाई पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत ठीक है इसमें क्या आता है कि इसमें प्रावधान है जो पंचायतों की शक्ति अधिकार और उत्तरदायित्व का निर्दिष्ट करते हैं मतलब एक तरह से आपका क्या नाम है जो आपकी पंचायत होती हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है उनके पास क्या पावर है उनके पास क्या उत्तरदायित्व है उनके क्या उत्तरदायित्व हैं ठीक है इन सभी को किस में डाला गया शेड्यूल इलेवन में डाला गया ठीक है पंचायत की जो पावर हो गई उनकी अथॉरिटी होगी उनकी जिम्मेदारी है ये सब किस में डाला गया शेड्यूल इलेवन में डाला गया और आपको बता दूं कि ये इसमें जो टोटल मैटर आते हैं या तो कहते हैं मामले आते हैं वो ट्वेंटी नाइन मैटर्स ऐसे ट्वेंटी नाइन मैटर्स हैं जिसमें क्या है पंचायत को पावर दी जाती है अथॉरिटी दी जाती है और रिस्पांसिबिलिटी होती है इन उन ट्वेंटी नाइन मेटर्स की जो पूरी जिम्मेदारी है वो किसी पंचायत की होती है तो ट्वेंटी नाइन मैटर्स आप ये ट्वेंटी नाइन मैटर्स जानने की कोशिश मत करिए याद नहीं कर पाएंगे पर इतना याद आने कितने मेटर्स एक चंदर है वो जरूरी है आपके लिए अब ये मत कहिए सर आप ट्वेंटी नाइन मेटर्स कौन कौन से हो गए तो जिस तरह हमें जाना नहीं है तो क्यों पढ़ें उसे तो इतना हमारे के लिए उतना ही पढ़ना देखो हमें क्या है स्मार्ट स्टडी करनी है तो ये याद रखो हमें ट्वेंटी नाइन मैटर्स के ही जानने हैं ठीक है तो करते हैं ट्वेंटी नाइन मीटर्स है अब सर दिमाग में क्वेश्चन आया सर ये भी तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो ये शेड्यूल था नहीं तो ये शेड्यूल कब ऐड किया गया तो इसको ऐड किया गया था सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन नाइन्टी टू ठीक है हमने कब सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट किया तब हमने इसे जोड़ा अब देखो तो को पहला हमने कब जोड़ा अब ऐसे याद करो नवा जो शेड्यूल था वो हमने जोड़ा तो नाइनटीन फिफ्टी वन में नाइनटीन फिफ्टी वन में दसवां शेड्यूल जो था वो हमने जोड़ा कितना अभी आपको बताया मैंने पीछे 1985 में ठीक है आपका ग्यारह शेड्यूल है वो कब जोड़ा 1992 में ठीक है कौन सा अमेंडमेंट था ये ये आपका फर्स्ट था ये आपका फिफ्टी सेकेंड था ये कौन सा था ये था आपका सेवेंटी थर्ड ठीक है ये तीन आपके हो गए अभी देखा ना फिफ्टी सेकेंड और फिफ्टी थर्ड तो ये तीन हो गए अब आपका आता आखिरी शेड्यूल जो भारतीय संविधान का वो कौन सा आपका शेड्यूल ट्वेल्व अब ये किसके ऊपर आता है ये आता है नगर निगम पे आता है इसमें क्या आता है नगर निगम आता है आपका ठीक है नगर निगम आता है शेड्यूल ट्वेल्व में क्या आता है नगर निगम आता, है? नगर आता, है. आता, है? नगर आता है तो इसमें लिखा है इट डील्स विद द प्रोविजंस दैट स्पेसिफाई द पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसपालिटीज इसमें टोटल कितने मीटर आते हैं अठारह मीटर आते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि म्यूनसिपैलिटी हो गई या कहते हैं नगर हो गई उनकी शक्तियाँ उनकी अथॉरिटी या कहते हैं प्र प्राधिकरण या उनकी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो सभी किस दी जा गई हैं वो शेड्यूल ट्वेल्व बताई गई हैं और इसमें टोटल कितने मैटर आते हैं टोटल अठारह मामले ऐसे आते हैं जिनकी जिम्मेदारी उनकी पावर और उनकी अथॉरिटी कहते हैं या पर प्राधिकरण जो है वो सब किसकी है वो म्यूनसिपलिटीज़ की है या कहते हैं नगर पालिका की आप जानते हैं गाँव में नगर पंचायत होती है और शहरों में क्या होती है नगर पालिका होती है ठीक है इसे कब ऐड किया गया इसे ऐड किया गया सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये ऐड किया गया अब देखो दो शेड्यूल जो आपके हैं जैसे आपके यहाँ के तो कौन से नाइन्थ शेड्यूल ऐड किया गया टेंथ ऐड किया गया एलेवंथ ऐड किया गया ट्वेल्थ ऐड किया ये जो शेड्यूल है ये दोनों एक साथ ऐड किए गए थे कौन से सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट नाइन्टीन से ठीक है कौन से नाइन्टी और आपका ये वाला है ये ऐड किया गया था आपका ये पहला वाला कब है ये आपका ऐड किया गया था कौन सा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड किया गया और ये वाला कब किया गया था फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1970 कौन सा याद होता है 1985 में ठीक है कब 1985 में ऐड किया गया ठीक है ये चार याद रहेंगे आपको ऐसे याद कर लीजिएगा चलिए अब आपका पूरा क्या है शेड्यूल और पार्ट खत्म हो गए यहाँ आपको मैं सारे शेड्यूल्स आपको बता दिए सारे पार्ट्स बता दिए हैं क्या पूरे भारतीय संविधान के और उन सभी को जानकारी दे दी है और पूरे पूरे बता दिए कि कौन 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 चीज़ कब कब जोड़ी गई है कौन कौन से संशोधन के तहत अगर आपको पी डी चाहिए होगी तो पी डी एफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं डायरेक्ट आपको लिंक बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और वहाँ पे पी मिल जाएगी आपको ठीक है अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी वो नेक्स्ट वीडियो आपको आएगी उसमें क्या आपका होगा यूनियन ऑफ इस टेरिटरी टूरी एंड और क्या होगा उसमें सिटीजनशिप शिप यह क्या है नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक लेके आपके आऊंगा किसके पॉलिटिके तो लेक्चर थ्री किसका लेक्चर थ्री कौन सा होगा आपका यूनियन यूनियन एंड इस टेरेटरी एंड सिटीजनशिप ये दो से आपका आगे बढ़ाऊंगा लेक्चर थ्री में ठीक है चलिए तब तक लिए जय हिंद